नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं गोवर्धन की खास खबर। आइए देखते हैं, गांजा पीने वाली सरकार के विरुद्ध सड़क से लेकर संसद तक ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसा प्रदीप चौधरी ने कहा। गोवर्धन समाजवादी यानी कि समाजवादी पार्टी ने गोवर्धन विधानसभा में तहसील परिसर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप चौधरी ने मीडिया को बताया कि प्रदेश व देश नशेड़ी सरकार के हाथों में है। उत्तर प्रदेश सरकार गांजा पीकर नशे में मस्त है। महिलाओं से बलात्कार, लड़कियों से अश्लीलता, किसानों की आत्महत्या, नौजवानों की बेरोजगारी, इस सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा आरोप लगाया। पूर्व में कांग्रेसी सरकार में जब प्याज सिलेंडर महंगा हुआ था, वर्तमान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इंडिया गेट पर प्याज और सिलेंडर रखकर धरना दिया था और सरकार बदलवा दी। अपनी सरकार आ गई तो दोनों ही कीमतें आसमान छू रही हैं, यानी कि प्याज और सिलेंडर। इन्होंने ऐसा मान लिया जाए कि इन्होंने थूक कर चाट लिया है। इस निकम्मी नशेड़ी सरकार से सड़क से लेकर संसद तक ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि इन्होंने किस प्रकार का वक्तव्य और किस भाषा का प्रयोग करते हुए अपना वक्तव्य दिया है। आइए सुनते हैं। समाजवादी पार्टी को इससे पहले 9 अगस्त को उन्होंने एक ज्ञापन दिया था कि ये राज्यपाल के नाम, क्या हो सकता है गूंगी भैरी सरकार जाग जाए, लेकिन उसके बाद आज दोबारा हमको धरना देने की जरूरत पड़ी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार चिलम लगा के सो गई और नशे में इतनी ध्वत है कि इनको ना तो बेरोजगार दिखाई दे रहा है, ना बेरोजगार कोई किसान आत्महत्या कर रहा दिखाई दे रहा है, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, वो कोई चीज़ इनको दिखाई नहीं दे रही है और लगातार महंगाई ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं। आज प्याज की अगर बात की जाए, यही प्याज जब किसान के पास होती है तो 3 रुपए किलो कोई खरीदने वाला नहीं होता है और किसान मजबूरन, क्योंकि प्याज किसान अपने घर में भी नहीं सकता, सड़ जाती है तो फेंकने का काम करता है। यही सिलेंडर, यही स्मृति ईरानी इनकी मंत्री, राजनाथ सिंह आज जो रक्षा मंत्री हैं और पूर्व वित्त मंत्री जो खत्म हो गए जेटली जी, इंडिया गेट में प्याज लेके और सिलेंडर लेके बैठे थे कि 60 रुपए किलो प्याज जो बेच रही है वो कांग्रेस की सरकार बेच रही है और कांग्रेस की सरकार जनता को महंगा बेच रही है, किसान से सस्ते में खरीदा है, और सिलेंडर जो 150 रुपए का भरा जाता है उसको 350 रुपए में बेच रही है। मैं कहना चाहता हूँ आज स्मृति ईरानी से, राजनाथ सिंह जी से, कि आपने जो इंडिया गेट पर थूका था तुमने खुद ही चाट लिया और ये सिलेंडर आप 600 रुपए का बेच रहे हैं और प्याज 90 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो बेईमान आप हैं या पूर्ववर्ती सरकार थी? इस प्याज के नाम पर उन्होंने सरकार बदल दी, सिलेंडर के नाम पर उन्होंने सरकार बदल दी, महंगाई के नाम पर उन्होंने सरकार बदल दी। जब डीजल 45 रुपए लीटर था तो महंगा था, आज 75 और 70 बिक रहा है। तहसील में बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं और किसी के लिए बैठे हैं? तमाम लाइन ऑर्डर है, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार परेशान है, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, मोटर बीटर एक्ट जितनी है 15,000 की मोटरसाइकिल और 30,000 का चालन करता है, इस सबको लेकर के आज हम यहाँ बैठे हैं। आप छात्रवृत्ति बंद कर दी नौजवानों की, अल्पसंख्यक की, बैकवर्ड की, अनुसूचित जाति की, तमाम दलित समाज के लोगों की जो छात्रवृत्ति मिलती थी आज उसको ही बंद करने का काम किया 2.5 साल से। तमाम योजनाएं हमारी 4 लेन बन रहे थे, काम चालू हो गया था, 2.5 साल में 1 रुपया न दे करके सारी सड़कों को रोकने काम किया है। गोवर्धन जब श्रद्धालु आता है और मथुरा से चलता है, हिचकोले खाते हुए मथुरा गोवर्धन पहुंचता है और लौटते में गिरिराज जी से प्रणाम करके जाता है, हे गिरिराज जी ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार जब तक रहेगी हम गिरिराज जी नहीं आएंगे, ऐसी सरकार को श्राप गिरिराज जी भी देंगे, भगवान श्री कृष्ण भी देंगे, जो ये और सबसे ज़्यादा श्राप इनको सीता मैया देंगी कि वोट लेते हैं राम के नाम पे और काम करते हैं किसी और का, अंबानी और अडानी के, तो सीता मैया भी इनको आशीर्वाद देगी, बद्दुआ देगी इनको। और जिस तरीके से लोगों को भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, गाय के नाम पे हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रहे हैं, किसी को किसी से लड़ा रहे हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, इन सब बातों को लेकर आज हम एकत्रित हुए हैं। अगर आज भी दूसरी बार हम ज्ञापन राज्यपाल के नाम दे रहे हैं, अगर इस पर भी ये गांजे पीने वाली सरकार नहीं जागी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। समाजवादी पार्टी लोग चुप नहीं, समाज ये लाल टोपी है, लाल टोपी चुप नहीं बैठेगी। हम लोहिया जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पर चलने वाले, अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम सड़क से लेकर संसद तक ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन देश को गलत हाथों में नहीं।